अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में अबसार आलम साहब इनवाइटेड हैं, साथ में अतर काजमी साहब इनवाइटेड हैं और क्वेश्चनिंग हुई है जलसे के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया उस हवाले से देखिए इस वीडियो में, वो उनका क्या इजहार है। जो बातें की, अब वो बातें किस किस्म की हैं? क्या महीना पहले या चंद दिन पहले आपकी लंदन में जब उनसे मुलाकात हुई तो क्या आपको लगा कि वो इसी किस्म की आके बातें करेंगे या फिर वो उधर ही अपने एहतसाब वाले बयानिए पे खड़े हैं? दूसरी बात, किसी भी लीडर को ये कैसा सियासी जलसा था मुनीब साहब के किसी भी लीडर को कि तकरीर करने की इजाजत नहीं दी गई कि शायद कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी के कानों के ऊपर वो गिरां गुजरे। अगर ऐसी बात थी तो सबसे ज्यादा खतरा तो मियां साहब की तकरीर से था। नहीं तो मियां साहब तो गारंटी दे दी थी ना मियां साहब से कि मियां साहब तो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब को दो मिनट बोलने देते, हमारे भाई हैं, उन्होंने ऐसी बातें करनी थी, किसी और को बोलने देते। तो किसी देखे जो सियासी जमातों का जलसा होता है उसमें लोग आके तकरीर, शहबाज साहब ने की ना, शहबाज साहब ने की ना, तो अब शहबाज पार्टी के सदर ने कर ली, द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ, आज की एपिसोड यही थी। नहीं पर आप नहीं समझते कि जलसे में दो चार तकरीरें और भी होनी चाहिए? चले उन्होंने नहीं फॉर पीएमएलएन ना, हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो मियां साहब ने तकरीर में बातें की हैं। जी जी, अब सार साहब कह रहे हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ ने अपनी इंटेंट जाहिर कर दिया, अगले करेंगे। नहीं, उन्होंने इंटेंट जाहिर कर दी है कि मैं भी शहबाज शरीफ की तरह मुकम्मल ताबेदारी से हुक्मरानी करूंगा। उन्होंने वो जो अपना बयान है वो हटा दिया। दूसरी बात, शुरू में सारे कह रहे, इमरान खान भी कह रहे, शुरू में तो देखें हर किसी को इसी तरह होता है। दूसरी बात ये कि जो इंटेंट उन्होंने जो शो की है या अगले करेंगे या नहीं करेंगे, भाई इससे ज्यादा और कोई मियां साहब के लिए क्या करें? आपका एयरपोर्ट के ऊपर आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, आपके लिए वो फैसला दिया अदालत ने कि जो आपके हमायती भी उसकी उसका दिफा नहीं कर पा रहे, वो आगे से दलील क्या दे रहे कि भाई सजा भी तो ऐसे हुई थी। ये नहीं कह रहे कि ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। इससे ज्यादा और सिस्टम कितना टिल्ट बैक हो सकता है? इससे उनको फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट नहीं कर रहा, सिस्टम उनको कंधों पे उठा के लेके जैसे इमरान खान को लेकर आया सिस्टम, ऐसे आदमी नवाज शरीफ को लेकर आ रहे, तो फिर तब्दीली तो कोई ना आई वैसे। नहीं देखें, इमरान खान आए थे वोट के जरिए, इमरान खान आए थे एक पॉपुलर वेव के ऊपर जिसमें सिस्टम की भी ख्वाहिश थी कि वो आए, उनकी सहूलतकारी भी की गई। लेकिन यहाँ पे जो किया जा रहा है इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। वो जितने पॉपुलर हैं इस वक्त वो भी सबको पता है, ऑल्दो के एक बड़ा उन्होंने शो किया, मुल्क भर से उनके लोग आए, लेकिन ना 16 माह की जो कारकर्दगी है उसका जिक्र हुआ बुनियादी। उन्होंने कहा ना शहबाज साहब का कसूर नहीं है महंगाई, और उसी की चांदे की करण। नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने वीडियो देखा। और आज की इस वीडियो में मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में इनवाइटेड थे अबसार आलम साहब, बहुत ही फेमस इंसान हैं, और साथ में अतर काजमी साहब इनवाइटेड थे, जिनका तारुफ भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत ही फेमस हस्ती है और सच की आवाज़ हैं। और नाजरीन, उनसे क्वेश्चनिंग जो की गई मुनीफ फारूक साहब की जानिब से, स्टार्ट में तो थोड़ा सा उन्होंने उनके साथ शुगल लगाया, मजाक किया कि आप लोग आज ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, अतर काजमी साहब ने किस चीज़ का आप शोग मना रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब जो आए हुए हैं आज कल रात को तो उसके ऊपर आप लोग आप शोग का इजहार कर रहे हैं जिसलिए आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। तो नाजरीन, उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि देखें, ब्लैक ड्रेस तो मैंने पहना है अपनी खुशी के लिए, और लाजमी तो नहीं है कि मैंने किसी के शोग मनाने के लिए ड्रेस पहना हो या इंतखाब किया हो। तो मैं कोई भी लीडर बाहर से आए और उसको हम आवाम वेलकम करते हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया। और साथ में ये कहा कि आपने भी तो कोट जो है मुनीफ फारूक साहब, आपने ब्लैक कोट पहना हुआ है और ये भी तो एक साइन है उसका शोग का, तो आपने भी तो पहना हुआ है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ का भी जवाब दिया कि नहीं नहीं मेरे जो है कोट जो है ज़रूर ब्लैक है लेकिन शर्ट जो है वो ब्लू है। तो ये नाजरीन स्टार्ट में बात हुई, फिर उनसे क्वेश्चनिंग हुई कि आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब के जलसे के हवाले से बात हुई, तो जलसा नाकामी की सूरत इख्तियार कर चुका था क्योंकि बहुत जितना टारगेट उन्होंने दिया था वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए बरहमी का इजहार भी किया गया। साथ में बाकी जितने भी रहनुमा मौजूद थे स्टेज पर, किसी का खिताब वगैरह नहीं करवाया गया, स्पीचेज नहीं हुई, जस्ट मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने स्पीच की। तो नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर दिया और इसके हवाले से बाद में काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया। तो नाज़रीन, अतर काजमी साहब का कहना ये था, उनका अपना एक तज़िया है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस उनका होता है, तो उन्होंने कहा कि देखें अगर इतने ही बेहतरीन अंदाज में जलसा हुआ तो आप लोगों ने बाकी जितने स्टेज पर मौजूद थे उनका क्यों ना स्पीचेस वगैरह उनकी करवाई, उनका खिताब वगैरह क्यों नहीं होने दिया। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया कि बाकी जित खास तौर पर उन्होंने नाम लिया जावेद लतीफ़ साहब का, तो जावेद लतीफ़ साहब बड़े ही जज्बाती अंदाज में
जज्बाती अंदाज में अपना एक बयानिया रखते हैं अवाम के सामने और अवाम जो है उसको एक्सेप्ट करें या उसको इग्नोर करें, वो अपना अपना एक इजहार है। और रही बात कल के जलसे की, तो बहुत सी पेशन गोई की जा रही थी, 10 लाख लोगों को क्रॉस किया जाएगा, टारगेट बहुत ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो सका। मीडिया पर भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपना तमाम तर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। उनका कहना है, मेरे साथ जो भी हुआ, जिस जिस ने मेरे साथ जो कुछ किया, मैंने तमाम तर का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। पहले उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया था जो कि फेमस भी, काफ़ी रहनुमाओं के दरमियान बहस भी हुई और फेमस भी हुआ, और अक्सरियत का यही कहना था कि ये बयानिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको लेकर आगे चला जाए इलेक्शन मुहिम की तरफ। तो इलेक्शन मुहिम में ये बयानियाँ लेकर जाना चाहते थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन फिर बाद में उनको पीछे हटना पड़ा कि एहतसाब का बयानिया जो है वह देखा जाए तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है और उसके ऊपर आपको नहीं चलना चाहिए, बल्कि इससे बेहतर है जो अब सूरत हाल पाकिस्तान की मौजूदा है उसमें मुस्तहकम जो है माशी हालात को लेकर चलना वो ज़रूरी है। इसलिए आप बयानियाँ जो हैं वो इस्तेहकाम, जिस तरह पाकिस्तान पार्टी ने जिस तरह से उन्होंने बनाया है वैसे ही चलना ज़रूरी हो चुका है। इसलिए माशी हालात के ऊपर आप बयानियाँ बनाएं जो कि गुर्बत मिटाओ, महंगाई मुकाओ, इसके ऊपर आप लेकर चला जाए तो यही काफ़ी होगा। आवाम को इस तरफ लेकर आएँ, मोटिवेट करें, ना कि एहतसाब की जानिब। तो इसलिए फिर नवाज शरीफ साहब ने बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये बड़ी एक बात होती है किसी भी रहनुमा की कि जब अक्सरियत इस चीज़ को आप समझाने बैठ जाती है कि आप इस चीज़ से आप पीछे हट जाएं, तो उसको एडमिट करना और उससे पीछे हट जाना ही बेहतरी होती है। इस वक्त सूरत हाल लड़ाई झगड़े की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टेबल पर बैठने की है और मुल्क के हालात को ठीक करने की है। जब तमाम सियासतदान इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे कि हमें मिल बैठकर मुल्क के माशी हालात को बेहतर करना है, अवाम को रिलीफ देना है, तो इंशाल्लाह ताला कोई वो वक्त दूर नहीं होगा जब अवाम को रिलीफ भी मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की करता हुआ भी नज़र आएगा। इसी टॉपिक, इसी नुक्ते के साथ इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा और खान साहब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें अपने मन रखे। अल्लाह हाफ़िज़।